हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रेसिपी विद मधु में आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आज बेसन की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने इसके बनाने के लिए बॉयल में मैंने बेसन ले लिए हैं 1 कप, और इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर इसमें डाल दूँगी, और इसमें मैं जीरा डाल दूँगी और थोड़ी सी अजवाइन डाल दूँगी। अब इसमें थोड़ी सी नमक डालूँगी और थोड़ी सी ऑयल डालकर इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए बेसन को सारे सामानों के साथ है। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इनको अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए, मैंने बेसन की डो यहाँ पर तैयार कर लिए। देखिए, हमारी डो इस तरह से बिल्कुल बननी चाहिए। देखिए, अब मैं इसकी 2 कट लगा लूँगी और इस तरह से इसको रोल करूँगी, सर लंबे इसको रोल बनाऊँगी इस तरह से हल्के हल्के रोल करके। देखिए, इस तरह से मैं बेसन की शेप बनानी है। अब मैं एक पेंसिल ले लूँगी, इसके बीच से मैं छेद कर दूँगी इस तरह से, ताकि इसमें थोड़े से डिजाइन बन जाए, हमारी बेसन की सब्जी दिखने में काफ़ी अच्छी लगे। ये देखिए, हमें इस तरह से बीच से इसको हल्के से इसको छेद कर लेना है, और पीछे से भी थोड़ी से हमें छेद कर लेंगे, ताकि हमारी अच्छे से बिल्कुल शेप बन सके डिजाइन है। ये देखिए, दोनों में मैंने अच्छे से बिल्कुल होल कर लिए हैं। अब मैं इसको कढ़ाई में गर्म पानी करके इन सभी को डाल दूंगी इसमें, और थोड़ी देर इसको बॉयल होने दूंगी। ये देखिए, यहाँ पर बेसन बिल्कुल बॉयल हो चुकी है। ये देखिए, अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी, फिर इसको चाकू की मदद से इसको पतली पतली इसको कट कर लूँगी गोल शेप में इस तरह से। देखिए, इसको ज़्यादा मोटी कट नहीं करनी है, पतली करनी है। अब मैं इन सभी को एक प्लेट में रख दूँगी। मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, यहाँ पर मैंने मिर्च, तेज़पत्ता और थोड़ी सी खड़े गरम मसाला, फिर इसमें मैं ओनियन कट करके डाल दूंगी, और इसमें लहसुन प्याज अदरक डालकर इसको अच्छे से ब्राउन करके इसको रोस्ट कर लूंगी। ये देखिए, इस तरह से। अब मैं इन सभी को मिक्सर डाल में डाल दूंगी। अब मैं उसी कढ़ाई में 1 चम्मच जीरा डालूंगी, लहसुन कट कर डालूंगी, हरी मिर्च कट करके डालूंगी, इनको थोड़ी देर तक भून लूंगी। अब उसी तेल में मैं जो मसाले बेटर तैयार किए थे इसकी ग्रेवी, उसको इसमें तेल में डाल दूंगी। इसको थोड़ी देर तक इसको धीरे धीरे चलाते रहूँगी हल्की आंच तक में, और उसी मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालकर मैं इन सभी मसालों को अच्छे से निकाल लूँगी। फिर मैंने एक कटोरी में टमाटर पेस्ट बना लिए, टमाटर को पीस लिया, उसी में मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मिलाकर इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए, यहाँ पर हमारे मसाले भून चुके हैं। अब मैं जो इसमें टमाटो और जो हमारे मसाले हैं इसको इसमें मिला दूंगी, और इनको चलाती रहूंगी हल्के हल्के। इसी तरह से बीच बीच में चलाते रहना मसाले को। अब इसी में मैं 1 चम्मच टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करूंगी, इनको भी अच्छे से मसालों के साथ इसको भून लूंगी। देखिए, हमारे यहाँ पर मसाले बिल्कुल भून चुके हैं। ये देखिए, कितने कलर आए, अच्छे आए हैं इसके। ये देखिए, अब मैं इसमें जितना मैं पानी डालना उसी के अनुसार अपना पानी डाल लूँगी, आप ही अपने अनुसार इसमें पानी डाल लीजिएगा। और इसमें मैं 1 स्पून गर्म मसाला ऐड करूँगी, और फिर इनको इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और थोड़ी देर तक इसको बॉयल होने दूंगी। ये देखिए, यहाँ पर बॉयल हो चुके हैं। अब मैं जो बेसन के जो पीसेज है इनको इसमें डाल दूंगी, और इसको थोड़ी देर तक चलाते रहूँगी इसी तरह से। फिर इसमें थोड़ी सी मैं धनिया पत्ता कट कर कर डालूंगी। ये देखिए, हमारे यहाँ पर बेसन की सब्जी धीरे धीरे पकने लगी है। थोड़ी देर तक फिर इसमें ढककर हम अच्छे से चलाएं इसको पकाएंगे,
देखिए यहाँ पर हमारी बेसन के गट्टे की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए कितने अच्छे मतलब बने हैं, कलर काफ़ी अच्छे आए हैं इसके। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी, है बिल्कुल नॉनवेज जैसा। आप सभी इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सब्जी है, बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आज की आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, अगर पसंद आई होगी तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए।